हज़रत सैदना इमाम हसन रदी अल्लाह तु की शान में अहादीस की रोशनी में अगर हम जानना चाहें कौन कौन सी अहादीस है कि जिससे उनकी शान व अज़मत बयान हो रही है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हज़रत इमाम हसन मुशतबा रदी अल्लाह तन हो, आपकी शान और आपकी फजीलत में कसीर अहादीस मुबारक मौजूद हैं और साफ ज़ाहिर है कि आकलाम के फरामीन मुबारक और अहादीस मुक़दसा उनका ताल्लुक इमाम हसन मुशतबा रदी अल्लाह तआला अन्हो के बचपन के साथ है, क्योंकि फिर आकलाम का विशाल मुबारक हो गया। तो इस वजह से जो बचपन के जितने भी उनके महासिन और फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं तो वो सारे अहादीस मुबारक से ही हम तक पहुँचे हैं। मिसाल के तौर पर उसका चंद अहादीस का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसे ही आपकी विलादत बासआदत हुई तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने आपको घुट्टी मुबारक दी। ये सबसे बड़ी सआदत और फजीलत की बात है कि आका अलैहिस्सलाम ने घुट्टी मुबारक दी। फिर नाम रखने की बारी आती है तो पहले तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने अपनी तरफ से जो नाम तजवीज़ किया वो आपके दो नाम तजवीज़ किए, एक तो हर्ब और एक अपने चचा के नाम पर जाफ़र। मगर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इनका नाम जो रख रहा हूँ ये सिर्फ़ मैं नहीं रख रहा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से ये नाम अता फरमाया है, और जब से अल्लाह ने जन्नत को तख्लीक़ फरमाया तो ये नाम जन्नत के अनवार के पर्दों के अंदर अल्लाह ने छुपा रखा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका नाम रखा है हसन। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो नाम मुबारक रखा। इसी तरह इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी विलादत पर भी इसी तरह चीज़ें, चूँकि दोनों का जिक्र जो है वो अक्सर अहादीस में मिला कर आया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने घुट्टी मुबारक भी दी, नाम मुबारक भी रखा और अकीका मुबारक भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो ये वो फ़ज़ाइल और महासिन हैं। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इनके साथ जिस शफ़क़त का मुजाहरा फरमाया और इनके लाड उठाए, इनके नाज और अंदाज उठाए और वो कितनी मोहब्बतों से नवाजा, खेल कभी खेलते हैं तो आका अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक में हैं, कभी आका अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार होते हैं। आका अलैहिस्सलाम अगर नमाज जुमा के लिए ईदैन के इज्तिमा के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो हसनैन करीमैन को कंधों पर सवार कर लेते हैं। तो गोया के बहुत सारे ऐसे बचपन के वाकयात हमें मिलते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जो इन्हें मोहब्बत और शफ़क़त हासिल हुई वो इन्हीं का हिस्सा थी और हसनैन करीमैन के अलावा वो उस जैसी वो कुर्बत और सोहबत और वो लाड और अंदाज के वो किसी और के हिस्से में ना आ सके। फिर इसी तरह एक वाक्य अर्ज़ करता हूँ जो हदीस पाक में आया, इसको हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उनके दरमियान कुश्ती करवा रहे हैं। तो वो कुश्ती करवा रहे हैं तो आका अलैहिस्सलाम बार बार जो दाद दे रहे हैं कि शाबाश, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, वो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदील्ला ताला अन्हो को दे रहे हैं। तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रदील्ला ताला अन्हा, आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़ा भी है तो आप शाबाश भी अपनी तकसीम फरमाएँ, छोटे को भी दें या बराबर दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इमाम हसन मुश्तबा, फरमाया उनको दाद इसलिए दे रहा हूँ कि हुसैन के लिए यही दाद वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, तो वो जिब्राइल की तरफ से आ रही है। तो गोया के ये हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के लिए ये भी एक फजीलत और सआदत की बात होगी। और फिर अगर हम कुरान मजीद की रोशनी में भी देखें तो जो आयत मुबाहला है उस आयत मुबाहला के अंदर कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया था अबना अना व अबनाकुम। जब नसारा के साथ मुनाजरे के बाद बात मुबाहला तक जा पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम पर आयत उतरी, फरमाया आओ मैदान में निकलो और फकुल तआलो न दो अबना अना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाएंगे तुम अपने बेटों को लाओ। तो आका अलैहिस्सलाम के सुलभी बेटे तो तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की इस आयत मुतहरा पर अमल फरमाते हुए इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उनको साथ लिया और वहाँ पर गोया आका अलैहिस्सलाम ने इस आयत मुबारक की अमली तफसीर ये फरमा दी कि हसन इब्न मुस्तफ़ा है और हुसैन भी इब्न मुस्तफ़ा है, ये शहजादगान मुस्तफ़ा है। और आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, आपने हदीस मुबारक में फरमाया हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को और इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन दोनों के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना वली जो हुमा व आना असबत हुमा, कि बेशक ये
आपके नुतफ़े मुबारक से हैं, आपके सुलबे मुबारक से हैं, मगर मैं अल्लाह के हुक्म से इन्हें हुक्मन अपना बेटा बनाता हूँ। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ही इनका असबा हूँ और मैं ही इनका वली हूँ। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को आका अलैहिस्सलाम के साथ जो निस्बतें हासिल हैं वो आप ही का खासा है, और कसीर अहादीस मुबारक में आपके फजाइल भरे पड़े हैं। और आखिरी एक बात और भी अर्ज कर देता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने इनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, और फिर उनकी मोहब्बत को फिर अपने वास्ते से अल्लाह की मोहब्बत करार दिया और उसे जन्नत में जाने का जरिया और सबब फरमाया, और इनके बुग्ज को आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के साथ रखा जाने वाला बुग्ज करार दिया और उसे फिर बिलवास्ता अल्लाह का बुग्ज करार दिया और उसका अंजाम सिवाय जहन्नम की और कुछ नहीं। तो गोया इमाम हसन मुज्तबा की मोहब्बत, अदब और निस्बत ये हम सब के लिए लायक एहतराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।